वेलकम बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास एट इंग्लिश रीडर थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर नाइन वेयर डू ऑल द टीचर्स गो हमारे चैप्टर का नाम क्या है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो पोम है बच्चों इस पोम के जो पोएट है बच्चों वो है पीटर डिक्सन ये पोएम किस बारे में है फॉर अ लिटिल चाइल्ड टीचर इज स्पेशल एक छोटे बच्चे के लिए उसका शिक्षक बहुत ही स्पेशल होता है बहुत ही विशेष होता है इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल होता है कि उसका टीचर जो है वो मेल है या फीमेल है जो भी है तो उसके शिक्षक जो है वो एक साधारण पर्सन है ये एक छोटा बच्चा नहीं मान पाता है इस पोम में बच्चों एक बच्चा है प्राइमरी क्लास का जो अपने शिक्षक को एक्स्ट्रा पर्सन समझता है उसके बारे में ये पोम है और आज हम पढ़ेंगे कि वो बच्चा इस कविता में क्या सोच रहा है और क्या समझ रहा है बच्चों, आप सभी मेरे साथ इसको रिसाइट करेंगे टीचर्स गो Where do all the teachers go? When it's four o'clock. When it's four o'clock. Do they live in houses? Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wash their socks? Do they wear pajamas? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they watch TV? And do they pick their noses? and do they pick their noses the same as you and me? the same as you and me? do they live with other people? do they live with other people? Or have they moms and dads? have they moms and dads? and were they ever children? and were they ever children? and were they ever bad? and were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner? Were they punished in the corner? If they pinch the chocolate flakes, if they pinch the chocolate flakes, did they ever lose their hymn books? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? did they ever leave their greens did they scribble on the desktop did they scribble on the desktop did they wear old dirty jeans did they wear old dirty jeans i'll follow one back home today i'll follow one back home today i'll find out what they do i'll find out what they do then i'll put

और क्या वे अपने मोजे धोते हैं अब बच्चों यहाँ पर छोटा बच्चा है वो सोच रहा है क्या हमारे टीचर्स भी हमारी तरह घर जाते हैं चार बजे के बाद और अपने मोजे धोते हैं या वो कुछ और कर क्योंकि बच्चे के लिए उसका टीचर जो है वो एक विशेष पर्सन है स्पेशल पर्सन है तो इसलिए वो यकीन नहीं कर पाता है कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह घर जाते होंगे और अपने मोजे धोते होंगे और डेली के अपने काम करते होंगे आगे वो बच्चा कह रहा है डू दे वियर पैजामा क्या वे पजामे पहनते होंगे एंड डू दे वॉच टीवी और क्या वे टीवी देखते होंगे एंड डू दे पिक देयर नोजेस और क्या वे अपनी नाक साफ करते होंगे द सेम एज यू एंड मी जैसा कि तुम और मैं करते हैं बच्चे अपने नाक में उंगली डालते हैं तो उसी बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि क्या वे भी अपने नाक में उंगली डालते होंगे डू दे लिव वेयर अदर पीपल्स क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते होंगे हैव दे मॉम्स एंड डैड्स क्या उनके माता और पिता होते होंगे एंड वर दे एवर चिल्ड्रन और क्या वे कभी बच्चे रहे होंगे एंड वर दे एवर बैड और क्या वे भी कभी बुरे रहे होंगे

यदि उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियों को चुराया होगा चॉकलेट फ्लेक्स का मतलब बच्चों चॉकलेट की तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने चॉकलेट के फ्लेक्स चुराए होंगे और उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली होगी डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताब खोई होगी Did they ever leave their greens? क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी होंगी टिफिन में? अब यहां टिफिन ने लिखा लेकिन उसका इंटेंशन बच्चों वही है। Did they scribble on the desktop? क्या उन्होंने कभी मेज पर कुछ लिखा होगा, कुछ कोजा होगा? Did they wear old dirty jeans? क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी होगी? I

लिख दिया बच्चों और आज हम उसी कविता को पढ़ रहे हैं तो इस पूरी पोम में क्या था कि एक छोटा बच्चा अपने टीचर को लेकर क्या सोचता है उसी के बारे में बच्चों ये कविता थी आइए अब हम इसकी वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं पिंज पिंज मीन्स चुराना फ्लेक फ्लेक मींस पपड़ी हाइम हाइम मींस धार्मिक गीत बच्चों जो स्कूलों में प्रेयर होती है उसकी बुक्स मिलती हैं तो वही लिखा है हाइम बुक मतलब जल्दी कुछ लिखना मतलब ऊपर ऐसे हम कभी कभी मेज पे लिखते हैं ना जल्दी जल्दी कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं तो उसी के बारे में आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टीचर्स गो एट फोर ओ क्लॉक मतलब कि कवि क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो चार बजे के बाद कहाँ जाते हैं तो इसका आंसर बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर पोएट टीचर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल पोएट के लिए जो टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एट फोर ओ क्लॉक इसलिए वह जानना चाहता है कि वे चार बजे कहाँ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू पोएट अबाउट मतलब इस कविता में पोएट ने क्या बताया है कि नॉर्मल लोग क्या क्या करते हैं तो देखिए द पोएल दैट देस वॉच देअर शॉक्स वीअर पैजाम वॉच टीवी पिक देयर नोजेस एंड लिव विद अदर पीपल्स तो पोएट कह रहा है कि जो है नॉर्मल लोग जो है वो घरों में रहते हैं वे अपने मोजे धोते हैं वे पैजामे पहनते हैं वे टीवी देखते हैं वे अपनी नाक साफ करते हैं और वे दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं Next question देखते हैं बच्चों क्वेश्चन पार्ट वाइज है वॉट डज ही इमेजिन अबाउट यानी पोएट क्या इमेजिन करता है फर्स्ट है वेयर टीचर्स टीचर पोएट क्या सोचता है कि टीचर कहाँ रहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ही इमेजिन वेयर वेदर द टीचर्स लिव इन हाउसेस वह सोचता है कि क्या शिक्षक अपने घरों में रहते हैं नेक्स्ट है बच्चों वॉट दे डू एट होम यानी वह क्या सोचता है कि वे घर पे क्या करते हैं ही इमेजिन वेदर दे वीयर पैजामाज एंड वॉश टीवी एट होम वे घर पर पैजामा पहनते होंगे और टीवी देखते होंगे नेक्स्ट है द पीपल विथ होम दे लिव तो ही इमेजिन वेदर दे लिव विथ अदर पीपल वह सोचता है कि क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते होंगे नेक्स्ट है देयर एक्टिविटी वेन दे वर चिल्ड्रेन इन द स्कूल यानी जब वे बच्चे थे तो स्कूल में क्या करते थे तो उसके बारे में यहाँ लिखा है ही इमेजिन वेदर दे एवर मिस्टेक्स वह सोचता है कि क्या उन्होंने कभी गलतियां की होंगी लूज हाइम बुक्स क्या उन्होंने अपनी धार्मिक गीतों की किताब खोई होगी लेफ्ट देयर ग्रीन क्या उन्होंने कभी सब्जियां छोड़ी होंगी हरी सब्जियां एंड गॉड पनिस्ट और क्या उन्हें कभी सजा मिली होगी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Why does द पोएट वंडर इफ टीचर्स also डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू कवि को क्यों आश्चर्य होगा यदि शिक्षक भी वही सब काम करेंगे जो और लोग करते हैं तो इसका आंसर देख लेते बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वंडर इफ द टीचर्स ऑल्सो डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही थिंक टीचर्स आर नॉट नॉर्मल पीपल बट दे आर स्पेशल तो कवि को आश्चर्य होगा ये देखते हुए कि टीचर्स भी वही काम कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं क्योंकि वो सोचता है कि टीचर तो नॉर्मल है ही नहीं वो तो कुछ स्पेशल लोग हैं हाउ डज टू फाइंड आउट वेयर ऑल टीचर्स गो कवि ने क्या प्लान बनाया ये जानने के लिए कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं प्लान टू फॉलो अ टीचर हिल ही वॉज गोइंग होम कवि ने प्लान बनाया कि वह एक शिक्षक का पीछा करेगा जब वह घर जा रहे होंगे नेक्स्ट बच्चों कह रहा है वर्ड पावर वॉट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोय मेन पनिश इन दॉर्नर मतलब किनारे पर खड़े होने की सजा मिलना देअर ग्रीन मतलब खाना खाते समय अपनी हरी सब्जियां छोड़ना ठीक है तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट बच्चों योर टीचर विल स्पीक वर्ड्स गिवेन बिलो आपके शिक्षक ये शब्द बोलते हैं जो नीचे लिखे हैं राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स डेट राइम विथ इट तो आपको इसके आगे दो वर्ड इसके रैमिंग वर्ड लिखने हैं जो सेम प्रोनाउंस करते हैं तो हम लिख लेते हैं तो बेड का क्या हो जाएगा लेड और टेड वैक्स का टैक्स रिलैक्स फास्ट का लास्ट फास्ट चॉप शॉप का हम लिख सकते हैं बच्चों शॉप और ड्रॉप ड्रॉप इसे हम लोग लिख सकते हैं लंग और संग उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी है आपके लिए पेज द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर आप अपने जो आपके फेवरेट टीचर हैं उनका पिक्चर जो है पेस्ट करिए एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन हिम और हर इन योर नोटबुक और उनके ऊपर एक पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखिए तो ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है बच्चों इसको आप खुद करेंगे यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए बाय बाय बच्चों